अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत जीवकार उन लोगों का अंजाम बयान कर लगा जेड़े लोग समझते ने जुम्मा रह गया ते की गोया है, खुतबा नहीं सुनिया ते की गो गया है। ना कोई गल नहीं, अगला जुम्मा पढ़ लवांगे, कोई गल नहीं अगला खुतबा सुन लवांगे। जनाब गा को हुण आए ने, ये पता नहीं आइंदा आने ने कि नहीं आने। अल्लाहु अकबर, मैं पहली दे अंदर हल चला रहा, ये जनाब हल मुकम्मल कर लिए, पता नहीं दोबारा चलाया जाना है कि नहीं चलाया जाना। मेरे वीर इस मुकाम कुराने पाक दे मुकाम थे, ये नहीं कि पहले अपना काम मुकम्मल करो फिर खुतबा सुनो। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया अजान सुन दे जाओ, अपना काम छोड़ दे जाओ। अजान सुन दे जाओ, अपना कारोबार बंद कर दे जाओ। और जेड़े इंज नहीं करते उन्हां दा अंजाम तेरे सामने रखन लगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने कायनात दे लोगो, मेरा दिल कर देना मैं अपने मुसल्ले ते अपने एक सहाबी नूं खड़ा करा और सहाबी नूं हुक्म दवा, सुनना पंडोरियां दे आबाशिया सुनना जरा, मेरा दिल कर दे मैं अपने सहाबी नूं मुसल्ले ते खड़ा। अलहम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा। अलहम्दुलिल्लाह अला निअमिहि ज़ाकिरति वल बातिनति कदीमा व हदीशा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا هم العلماء ورشة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات محترم قرآن پاک دا جو مقام تساں احباب دے سامنے میں تلاوت فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام دے اندر اس آیت اندر اللہ تعالی نے جمعے دے دن دی شان اور مقام بیان فرمائے سال دے 12 مہینے نے اور 360 دن نے ہر دن دی شان اور مقام اپنی جگہ تے مگر جو شان جو فضیلت اللہ تعالی نے جمعے دے دن نو عطا فرمائی ہے اینی شان اتنا مقام کسے اور دن نو اللہ تعالی نے عطا فرمایا نہیں عطا فرمایا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے فرما دینے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حضرت جبرائیل حاضر ہوئے نے ہاتھ اندر ایک سفید شیشہ پکڑے اس شیشے دے اندر ایک کالا جیا دائرہ ہے نقطہ ہے. آپ نے فرمایا جبریل کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جمعے دا دن ہے جو اللہ تعالی نے تانوں عطا کر دیتے اور تواڈی امت نو عطا کر دیتے اس دن تواڈے واسطے اور تواڈی امت واسطے عید بنا دیتی گئی ہے اور فرمایا کہ اس دن اللہ تعالی نے خیر رکھ دیتی ہے اس دن اندر اللہ تعالی نے برکتاں اور رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے. اور اسی طریقے دے نال سیدنا عبداللہ بن عباس
रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने ने कि आप अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया, फरमाया मेरे सहाबाए कराम जुम्मे दा दिन अल्लाह ने ईद दा दिन बना दिते, लिहाजा जुम्मे वाले दिन गुसल करिया करो ते फिर मस्जिद दे अंदर आया करो। सहाबाए कराम बयान करते ने आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला दी नज़र अंदर अल्लाह ताला दे हाँ इतना मुकाम ईद उल फितर दा भी नहीं, ईद उल अज़हा दा भी नहीं जितना मुकाम जुम्मे दे दिन दा अल्लाह ताला दी नज़र अंदर है। हज़रात दी वकार अगर तुहाडी तवज्जो होए दीन इस्लाम मुकम्मल होए जुम्मे वाले दिन सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने ने कुरान पाक दी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रजीतु लकुमुल इस्लाम दीना फरमाया कुरान पाक दा ए मुकाम जेड़ा है ना कुरान पाक दी ए आयत जेड़ी है फरमाया जुम्मे वाले दिन अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर दे सीनाए अतहर ते नाज़िल फरमाई है। पता चलिया कि जुम्मे वाले दिन मेरा और तेरा दीन मुकम्मल होया है। ये जुम्मे नू आम ना समझिया करो, ये जुम्मे दियां शाना अल्लाह ताला ने बड़िया बुनाइया ने। वो वखरी गल है अज असी अपनी नज़र अंदरों अज असी अपने दिल अंदरों जुम्मे की शान नू खत्म कर दिता है और ये जुम्मे की शान इतना अजमत वाला इतनी फजीलत वाला दिन अल्लाह ताला ने मुसलमाना नू अता फरमाए। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने आप अलैहिस्सलाम तो कबल यानी कि पहलियां जड़ियां उमता आईया ने फरमाया अल्लाह ताला ने ना यहूदियों नू इबादत वास्ते अल्लाह ताला ने हफ्ते दा दिन अता कीते, ईसाइयों नू अल्लाह ताला ने इबादत वास्ते इतवार दा दिन अता कीते और जदों मुसलमाना दी बारी आई अल्लाह ताला ने जुम्मे दा दिन अता कर दिते। जुम्मे दा माना है जमा होना इकट्ठिया होना यानी कि हफ्ते बाद इकट्ठिया होके अल्लाह ताला दा जिक्र करना अल्लाह ताला दी हमदो सना बयान करना और सुनना और अपने नबी दी जात ते दरूद पढ़ना। फरमाया जुम्मा अल्लाह ताला ने अता कीते फिर अल्लाह ताला ने ना दिना दी तरतीब अंदर सब तो पहले अल्लाह ताला ने जुम्मा बना दिता फिर हफ्ता फिर इतवार फिर सोमवार। फरमाया कि जिस तरह दिना दी तरतीब अंदर पहले जुम्मा है बाद अंदर हफ्ता है बाद अंदर इतवार है फरमाया इस तरीके दिनाल अल्लाह ताला जुम्मा पढ़न दी वजह तो जुम्मे दी शान दी वजह तो अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी उम्मत नू सारियां उम्मतां तो पहले जन्नत दा दाखला नसीब फरमा देगा। तो मेरे भाई जुम्मे दा मुकाम जुम्मे दी शान बड़ी ज्यादा है। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। तुसी अहबाब जो समात फरमाओ अल्लाह सुनन तो बाद अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल गुण वाला अल्लाह दा कुरान और जुम्मे दी शान अल्लाह दा कुरान और जुम्मे दा मुकाम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الله أكبر الله हजरात जीवकार अल्लाह ताला ने इस आयत अंदर जुम्मे दा मुकाम बयान फरमाए, जुम्मे दी शान बयान फरमाइए। फरमाया ऐ ईमान वालो जिदों जुम्मे दी अजान गो जाए अपने कारोबार बंद कर देने ने, अपनियां दुकाना बंद कर देनियां ने, अपनियां तजारतां बंद कर देनियां ने। अल्लाह जी दुकाना बंद कर देनियां, तजारतां बंद कर देनियां, कारोबार बंद कर देना। अल्लाह करना की है? फरमाया मेरा जिक्र करना है ना। इंज कह लो जुम्मे दी अजान गो गई है ना, सब कुछ छड़ छड़ा के अल्लाह दे घर अंदर आ जाने। फरमाया ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, इहदे अंदर अल्लाह ने बेहतरी रख दीती है। और जेड़ा इंज नहीं ना करदा, जेड़ा अजान सुनदा है ना, अजान मुअज्जत दे रही है ना, अजान सुनन तो बाद अपनी दुकान नु बंद नहीं करदा, अजान सुनदा है ना अपने कारोबार नु बंद नहीं करदा, अजान सुनदा है ना अपनी तिजारत नु नहीं छोड़दा, अजान सुनदा है ना अपने मामलात नु तरक नहीं करदा। फरमाया ओदे वास्ते हलाकत होएगी, कल कियामत दा दिन होएगा, अल्लाह दा भी मुजरम होएगा, रसूलुल्लाह दा भी मुजरम होएगा। पता की चलिया? अजान सुननी है ते सब कुछ, ओ बोलो ते सही, सारा कुछ अपने मामलात छोड़ देने ने और अल्लाह दे घर अंदर आके डेरा ना लेने। अरशां तो आवाज आएगी, ओ मेरे बंदे मेरा हुक्म सुन के एदे ते अमल कीता ही जा, अज दे तेन तेनू मैं पहले दिना नालो ज्यादा दौलत अता कर छड़ांगा। मेरे भाई वेखो अपने माशरे अंदर अजान हो गई है, अजान होन तो बाद कई लोगों ने दुकाना बंद कीतियां, अपनी तजारत नू छोड़िया नहीं छोड़िया। फरमाया उन्हां वास्ते हलाकत है, हलाकत किया दुनिया अंदर भी जलील और आखरत अंदर भी जलील होंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे पैगंबर दा फरमान सुनना जरा। फरमाया कायनात दे लोगो, अल जुमातो हक्कुन, अल जुमातो हक्कुन वाजिबुन कुल्लु मुस्लिमिन। फरमाया जुम्मा जेड़ा ना हर मुसलमान ते फर्ज ना, जुम्मा हर मुसलमान नु पढ़ना चाहिए ना, जुम्मा फर्ज गै फर्ज ऐन गै, जिस तरह फजर तो बगैर गुजारा नहीं, ओ जनाब जुम्मे तो बगैर गुजारा नहीं, जिस तरह जोहर तो बगैर गुजारा नहीं, इंज जुम्मे तो बगैर गुजारा नहीं, जिस तरह असर तो बगैर गुजारा नहीं, इंज जुम्मे तो बगैर गुजारा नहीं, जिस तरह मगरब तो बगैर गुजारा नहीं, इंज जुम्मे तो बगैर भी गुजारा नहीं, जिस तरह ईशा तो बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, इंज जुम्मे तो बगैर भी ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया अल जुमातो हक्कुन वाजिबुन कुल्लु मुस्लिमिन। फरमाया जुम्मा अल्लाह ने हर मुसलमान ते वाजब कर दिता है ना, हर मुसलमान ते फर्ज कर दिता है ना, सिवाए चार बंदियां तो, चार बंदियां नू आजादी है ना, चार बंद
बंदियां नू रुखसत ना। पहले नंबर ते फरमाया अब्दुन ममलूकुल, फरमाया गुलाम जेड़ा है ना गुलामी दी जिंदगी बसर कर रिया है ना, जुम्मे दी माफी है, पढ़ लवे ते बेहतरे, ना पढ़े ते कोई गुनाह नहीं। दूसरे नंबर ते फरमाया आवासी भी उन, ऐसा बच्चा जेड़ा बालक नहीं होया, फरमाया पढ़ लवे ते बेहतरे, ना पढ़े ते कोई गल नहीं। तीसरे नंबर ते फरमाया अविमरातुल, ऐ जनाब औरत जेड़ी ना इनू भी जुम्मे तो आजादी है ना रुखसते, कम काज की वजह तो पढ़ लवे ते बड़ा ही चंगा है ना, ना पढ़े ते कोई गल नहीं। हवा मरीज हुन, फरमाया मरीज ऐसा मरीज जेड़ा चल के मस्जिद अंदर नहीं आ सकता, ऐसा मरीज जिदा एक एक सांस मुश्किल हो चुकी है ना, अपने दिन पूरा करता पिया है ना, इंज कह लो ऐसी बीमारी आ गई है ना उठिया नहीं जांदा। फरमाया ऐसे मरीज नू भी जनाब रुखसत ना, किदों तक जदों सेहत मिल जाए, किदों तक जदों बीमारी खत्म हो जाए। फरमाया चार बंदे ने, पहले नंबर ते गुलाम, दूसरे नंबर ते बच्चा, तीसरे नंबर ते औरत, चौथे नंबर ते जनाब मरीज बंदा। इन्हां चौहां तो इलावा जेड़ा जुम्मे नू छोड़ देगा अल्लाह दा मुजरम गोएगा, रसूलुल्लाह दा मुजरम गोएगा, अल्लाह दी अदालत गोएगी, अल्लाह दी अदालत अंदर इनू मुजरम बना लिया जाएगा। अपनियां बैठकां दे अंदर बैठ करके जुम्मे नू जाया करना ना, अपनियां दुकानां ते बैठ करके जुम्मे नू जाया करना है ना, अपनी तिजारत की वजह तो जुम्मे नू जाया करना है ना, कल अल्लाह की अदालत गोएगी, अल्लाह की अदालत अंदर तेनू मुजरम बना लिया जाएगा। हाथ कड़िया पहना लिया जाएगियां, हाथ कड़िया पान तो बाद तेनू जहन्नम रसीद कर दिता जाएगा। अल्लाहु अकबर। अज असी की समझिए, अज असी कहने कोई गल नहीं, जुम्मा ही रह गया है ना, कोई मसला नहीं। मेरे भाई जुम्मा रह गए जान बुझ के, अगर तू तर्क कर दिते अपना अंजाम सुन जरा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद, आवाज नहीं आई। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक दे नाजल गुण वाला अल्लाह दा कुरान, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुअती फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैर لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरात ज़िवकार उन्हां लोकां दा अंजाम बयान करन लगा जेड़े लोग समझते ने जुम्मा रह गया ते की गोया, खुतबा नहीं सुनिया ते की गो गया है ना, कोई गल नहीं अगला जुम्मा पढ़ लवांगे, कोई गल नहीं अगला खुतबा सुन लवांगे। जनाब गाक हुण आए ने, ये पता नहीं आइंदा आने ने कि नहीं आने। अल्लाह अकबर। मैं पहली दे अंदर हल चला रहा, ये जनाब हल मुकम्मल कर लिए, पता नहीं दोबारा चलाया जाना है कि नहीं चलाया जाना। मेरे वीर इस मुकाम कुरान पाक दे मुकाम थे, ये नहीं कि पहले अपना काम मुकम्मल करो फिर खुतबा सुनो। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया अजान सुन दे जाओ, अपना काम छोड़ दे जाओ, अजान सुन दे जाओ,
जाओ, अपना कारोबार बंद कर दे जाओ, और जेड़े इंज नहीं करते उन्हां दा अंजाम तेरे सामने रखन लगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने कायनात दे लोगो, मेरा दिल कर देना मैं अपने मुसल्ले ते अपने एक सहाबी नूं खड़ा करा और सहाबी नूं हुक्म दवा, सुनना पंडोरियां दे आबाशिया सुनना दरा, मेरा दिल कर दे मैं अपने सहाबी नूं मुसल्ले ते खड़ा करा और हुक्म दवा सहाबाए कराम नूं नमाज पढ़गाए और मैं उन्हां लोगां दे घरां दे अंदर चले जावा जेड़े लोग खुतबे दे अंदर शामिल नहीं गए, जेड़े लोग जुम्मे दे अंदर शामिल नहीं गए। मेरे पैगंबर फरमांदे ने उन्हां नूं उन्हां दे घरां समेत जला के राख कर दवा, मगर मेरे पैगंबर फरमांदे ने मैनूं जनाब औरतां दा बच्चियां दा ख्याल आ जांदा है ना, तां करके मैं ये अमल नहीं करदा। अल्लाह अकबर, पता चलिया जेड़ा जुम्मा तरक कर देना अल्लाह दे पाक पैगंबर दी नजर अंदर वो बड़ा बुरा है ना, अल्लाह दी नजर अंदर बड़ा बुरा है ना। अल्लाह अकबर, एक और फरमान सुन नजरा मेरे पैगंबर फरमान देने कायनात दे लोगो, जेड़ा बंदा मुसलसल जुम्मा छोड़ दे ना, ऐ भी नहीं पढ़िया अगला भी नहीं पढ़िया उस तो अगला भी नहीं पढ़िया, कोई गल नहीं जिंदगी बड़ी जनाब लंबी है ना, हुण जवानी अंदर आ बड़ा पी अंदर जुम्मा पढ़ लवांगा, कोई गल नहीं मैं अगले साल तो शुरू कर लवांगा। फरमाया जेड़ा बंदा मुसलसल जुम्मा छोड़ दे ना, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे नूं गाफिलां दे अंदरों कर देंदे ने। एक और मेरे नबी दा फरमान सुन जरा, फरमाया मन तारा कसला सुन, मन तारा कसला सुन जुमिया, फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा तीन जुम्मे मुसलसल छोड़ देंदे बगैर उजर तो बगैर बीमारी तो बगैर किसी जनाब वजह तो, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे दे दिल ते मोर लगा देंदे ने, मोर किन्ना दे दिल ते लग दिए। फरमाया खातम अल्लाहु अला कुलूबिकुम व अला समईकुम व अला अबसारिकुम गिशावतुन व लकुम अज़ाबुन अज़ीम। दूसरा मुकाम बल तबअ अल्लाहु कुलूबिकुम बिकुफरिकुम, मोर ना दे दिल ते लग दिए। फरमाया मोर मुनाफकां दे दिल ते लग दिए, काफिरां दे दिल ते लग दिए, और कायनात दे लोगो जिदे दिल ते अल्लाह मोर लगा देण, जिदे दिल ते अल्लाह स्टैंप लगा देण, मेरे नजरिए दे मुताबिक कुरान और हदीस दे मुतालिया तो बाद जेड़ा बंदा तीन जुम्मे छोड़ दे ना बगैर उजर तो, अल्लाह दी नजर अंदर वो बंदा काफर भी है, वो बंदा मुनाफिक भी है। अल्लाह अकबर। हजरात दी वकार आम ना समझिया करो, कोई गल नहीं जुम्मा ही रह गया है ना, कोई गल नहीं खुतबा ही रह गया। मेरे भाई फरमाया मन तरा का सलाह सुन, फरमाया जिस बंदे ने तीन जुम्मे जान बुझ के छोड़ दिते अल्लाह ताला उदे दिल ते मोहर लगा देगा, गाफिला अंदरों हो जाएगा, मुनाफका अंदरों हो जाएगा, और जिदा दिल मुनाफक हो गया फिर वो इबादत के करीब आ सकता, जिदों तक माफी ना मंगे तौबा ना करे। हजरात इस मसले नू आम ना समझो, इस मसले नू अहमियत दो, माशरे अंदर इस मसले दी बड़ी ज्यादा जरूरत है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरात दी वकार अल्लाह दा कुरान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो इज़ा नूदिया लिस्सलाती मियौमिल जुमअती
فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ। जेड़े जेड़े सुते ने वह भी सुबहान अल्लाह कह दो, जेड़े जागते ने वह भी सुबहान अल्लाह कह दो। अल्लाह अकबर अल्लाह, ये भी बड़ी बीमारी है कि सानू नींद आती है तो जुम्मे वाले दिन आते, ये बहुत वड़ी बीमारी है मेरे भाई। जुम्मे तो पहला ना कोई दो घंटे आराम कर लिया करो ताकि जुम्मा सुकून दे नाल इत्मीनान दे नाल तुसी खुतबा समाद फरमाओ ताकि तुहाडे पेड़ पल्ले कोई गल पै जाए ते उहदे ते अमल करिए, मेरा भी निजात का सबब बन जाए और तुहाडी भी निजात का सबब बन जाए। दुआ करो अल्लाह ताला सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह, इस तो पहला दे सुनिया है ना, जेड़े लोग जुम्मा नहीं पढ़ते उन्हां दा अंजाम, और जेड़े जुम्मा पढ़ते ने खुतबा सुनते ने जेड़े अल्लाह के घर अंदर आ के डेरा ला लेंदे ने उन्हां दी की शान है, उन्हां दा की मुकाम है। ए सुन जरा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दा फरमान सहीहुल मुस्लिम गए सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनको बयान कर देने, कायनात दे लोगो अल्लाह दे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, फरमाया सब तो बेहतरीन दिन जिदे अंदर सूरज तलो गुंदे नाल, फरमाया जुम्मे दा दिन नाल क्यों बेहतरीन दिन नाल, फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहि सलातु वसलाम नो पैदा फरमाया जुम्मे दे दिन, सैयदना आदम अलैहि सलातु वसलाम नो जन्नत दे अंदर दाखिल कीता जुम्मे वाले दिन, सैयदना आदम अलैहि सलातु वसलाम जमीन ते आए ने जुम्मे वाले दिन, सैयदना आदम दी तौबा कबूल हुई है जुम्मे वाले दिन, रब्बा ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहु अकबर अल्लाह, फरमाया सैयदना आदम दी तौबा कबूल कोई जुम्मे वाले दिन, सैयदना आदम अलैहि सलातु वसलाम इस दुनिया तो रहलत फरमाए जुम्मे वाले दिन, और मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने कायनात दे लोगो कियामत बरपा होएगी ते जुम्मे वाले दिन होएगी। अगली अल्फाज फरमाया जो जुम्मे दा दिन आंदा है ना अल्लाह दी हर मखलूक डर जाती है ना, अल्लाह दी हर मखलूक कंब जाती है ना, किते आज कियामत बरपा ना हो जाए। मेरे पैगंबर फरमा देने अगर नहीं डरदा ते इंसान नहीं डरदा, अगर नहीं डरदा ते जिन नहीं डरदा। मेरे वीर ना डरन दा नतीजा है ना, अल्लाह फरमा देने या अय्युगल्लज़ीना आमनो इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमाती, ना डरन दा नतीजा है ना, अजान भी कोई है खुतबा भी शुरू हो गया है ना, असी अपनी दुकाना बंद नहीं कीतिया ना डरन दी वजह है ना, असी अपना कारोबार नहीं छोड़िया ना डरन दी वजह है ना, असी अपनियां तजारतां बंद नहीं कीतियां। मेरे वीर कायनात दा इंसान बड़ा बदनसीब ना जेड़ा जुम्मे दी अजान सुनदा है ना अल्लाह दे घर अंदर नहीं आंदा बगैर किसे उजर तो, अल्लाहु अकबर। और जेड़ा आ जांदा है ना अल्लाह इनाम नूं अता कर देने, जेड़ा आ जांदा है ना अल्लाह ताला दा कुरब पा लैंदा है ना, सैयदना
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान कर देने है जुम्मे दे दिन दी शान सुन और अपना मुकाम सुन। मेरे वीर तू मस्जिद अंदर आ गई है ए ना समझना कि मेरा आना जाया होएगा। ए समय अल्लाह ने मैनू ले आंदा है ना अल्लाह मैनू इनाम देना चाहते ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमा देने है जे जुम्मे दा दिन हुंदा है ना अजान तो कबल खुतबे तो कबल है जे मस्जिद दे दरवाजे थे अल्लाह दे मलाइका आ जाते ने अल्लाह दे फरिश्ते आ जाते ने है जे हत्थां दे अंदर रजिस्टर पकड़ लैंदे ने। रजिस्टर केड़े जन्नती रजिस्टर लैके आंदे ने उन्हां ते नाम जन्नती लोगां दा दर्ज हुंदा है ना। और हाथ अंदर जड़ियां कलमा पकड़िया ने फरमाया नूर दियां कलमा ने इंज करके जड़ा बंदा पहली गड़ी दे अंदर आंदा है ना पहली फुरसत दे अंदर आंदा है ना अल्लाह ताला दे मलाइका ओदे वास्ते इनाम लिख देने। की इनाम लिख देने अल्लाह ताला इस बंदे नू ऊंट दी कुर्बानी दे बराबर अजर अता कर दवे ऊंट दी कुर्बानी दे बराबर अजर लिख देंदे ने। दूसरी गड़ी दे अंदर जड़ा बंदा आंदा है ना ओदा अजर गाय दी कुर्बानी पानी दे बराबर लिखिया जांदा है ना। तीसरी गड़ी दे अंदर जड़ा आंदा है ना ओदा अजर है जे जिना मेंढे दी कुर्बानी दे बराबर लिखिया जांदा है ना। चौथी गड़ी दे अंदर जड़ा आंदा है ना ओदा अजर है जे मुर्गी दे सदके दे बराबर लिखिया जांदा है ना। पांचवी गड़ी दे अंदर जड़ा अल्लाह दे घर दे अंदर आंदा है ना आंडे दे सदके दे बराबर ओदा अजर लिखिया जांदा है ना। और मेरे नबी फरमांदे ने जदों जनाब अजान को जांदी है ना इंज खतीब मिंबर ते बैठ जांदा है ना खुतबा शुरू कर देंदा है ना इंज अल्लाह दे पाक मलाइका रजिस्टर बंद कर देने कलमा बंद कर देने मस्जिद दे अंदर आके बैठ जांदे ने अल्लाह दा जिक्र सुनदे ने नबी दा फरमान सुनदे ने। और जेड़े जेड़े उन्हां घड़ियां दे अंदर गए ने उन्हां दियां हाजरियां लगा लेंदे ने अल्लाह दी अदालत अंदर जांदे ने। अल्लाह इंज अपने बंदियां दा नाम वेख करके खुश हुंदे ने। हजराते दी वकार ए ते ओ लोग ने जिहड़े खुतबे तो पहला पहला आंदे ने कई साथी खुतबे तो पहला आंदे ने खुश नसीब ने जनाब किस्मत वाले ने करमा वाले ने जिहड़े पहला आ जांदे ने। और जिहड़े जनाब जान बुझ के लेट कर देने तखीर कर देने मेरे पैगंबर फरमा देने अल्लाह उन्होंने भी जाया नहीं कर दे मगर उन्होंने ऊंट की कुर्बानी का सवाब नहीं गाय की कुर्बानी का सवाब नहीं मेंढे की कुर्बानी का सवाब नहीं मुर्गी के सदके के बराबर अजर नहीं आंडे के बराबर अजर नहीं उन्हों अजर अल्लाह कली नमाज का अता कर देंदे ने। हजराते दी वकार ओ बंदे बड़े खुश नसीब ने जेड़े पहलियां गड़ियां दे अंदर आंदे ने। और कई बंदे ना जान बुझ के बह रहिंदे ने अपनियां हवेलियां अंदर अपनियां बैठकां दे अंदर अपने यारां दोस्तां दे करीब बैठे रहिंदे ने। ज़ेन की है नमाज होनी है जनाब डेढ़ बजे मैं एक पंजियां ते मस्जिद च जावांगा वुजू करके जल्दी जल्दी नमाज पढ़ांगा और वापस आ जावांगा। अरशां तो आवाज आंदी जान बुझ के वक्त जाया करने वाले तेरा इना अजर अंदर कोई हिस्सा तो मेरे भाई अव्वल वक्त अंदर आया करो। वैसे भी मेरे भाई सारा हफ्ता असी काम करने आ कारोबार करने आ अगर असी जुम्मे वाले दिन असी जनाब डेढ़ दो घंटे असी अल्लाह ताला दी इबादत वास्ते निकाल लईए अल्लाह सानू कदी जाया नहीं करेगा। वादा करो कि अगले जुम्मे असी सारिया ने अजान तो भी पहले काम औखा है मगर वादा करो मेरे भाई अजर बड़ा ज्यादा मिलेगा अजर और शान मुकाम बड़ी ज्यादा। वैसे भी मेरे भाई मस्जिद ची आना है
अगर बंदा अव्वल वक्त अंदर आ जाए ते जनाब अल्लाह ताला दा कुरब पा लेगा, शान वाला मुकाम वाला बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत जीवकार ऐ सुनना, जरा सुनना, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने जुम्मे दे दिन दी शान और खुतबा पढ़न वाले दी शान और जुम्मा सुनन वाले दा मुकाम। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने जुम्मे वाले दिन ना एक अल्लाह ताला ने घड़ी ऐसी बनाई है, उस घड़ी अंदर इंसान अपने रब कोलों जो भी मंग लेंदे अल्लाह उन्हूं अता कर देंदे ने, जो भी मंग लेंदे अल्लाह अता कर देंदे ने। और इहदे बारे ना मुफस्सरीन दे मुख्तलिफ अकवाल ने, किसे ने जनाब कोई वक्त दसी है, किसे ने कोई वक्त दसी है, और किसे ने जनाब ए वक्त बयान कीते के खतीब मिंबर ते बैठ दे उस वक्त तो लेके नमाज दे इख्तिताम तक, नमाज दे आखिर तक इंसान जो भी अपने रब कोलो मंगेगा मिल जाएगा। मगर सब तो बेहतर और राजी जेड़ा कौल है ना, मेरे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया और ज्यादा मुफस्सरीन दा इस बात पे इत्तफाक है, फरमाया जुम्मे वाले दिन नमाज असर तो बाद और मगरब तो कबल जुम्मे वाले दिन जो भी रब कोलो मंगोगे अल्लाह अता कर देगा। मेरे भाई ये जुम्मे दी शान है ना, जुम्मे दा मुकाम है, इस वक्त नु जाया करना नहीं करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात जीवकार मेरे पैगंबर दा एक और फरमान, फरमाया वल जुमातु इलल जुमाती कुफारतुल्लिमा बैना गुन्ना, फरमाया जेड़ा बंदा एक जुम्मा पढ़ देना और दूसरा जुम्मा भी अदा कर देना, इंज कह लिए बात समझाण वास्ते जिन्ना जनाब साथियों ने पिछला जुम्मा अदा कीता ना और अल्लाह दी रहमत दे नाल ए जुम्मा अदा करन भी आ गए ने अल्लाह दे घर अंदर, फरमाया उन्ना वास्ते अल्लाह ताला ने इनाम रख दिता ना, अल्लाह पूरे हफ्ते दे गुनाह अपनी रहमत दे नाल माफ कर देंदे ने। कितना मुकाम है यार, अज असी जनाब इस शान तो इस मुकाम तो दूर हो गए। एक और मेरे पैगंबर दा फरमान सुनना जरा, फरमाया कायनात दे लोगो, अल्लाह ताला दे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा आसन तरीके दे नाल गुसल कर देना, गुसल करन तो बाद इंज जनाब अल्लाह दे घर अंदर पहले वक्त अंदर आंदा है ना और इमाम दे करीब बैठ जांदा है ना, खामोशी दे नाल खुतबा समाप्त करदा है ना, कोई लुगत बात नहीं करदा, कोई जुबान तो जनाब अल्लाह दे कुरान तो इलावा कोई और गल बात नहीं करदा, इंज खामोशी दे नाल कुरान और नबी दे फरमान नु सुनदा है ना। फरमाया अल्लाह उस बंदे दे दस दिन दे गुनाह माफ कर देगा। कितना मुकाम है, गुसल करना है और जनाब अच्छा लिबास पाना है, अव्वल वक्त अंदर मस्जिद दे अंदर आना है, इमाम दे करीब बैठना है और खामोशी दे नाल खुतबा समाप्त करना है, दस दिन दे गुनाह अल्लाह ने माफ कर देने ने। यार कितना मुकाम है, अज असी इहदे तो दूर हो गए हां, गुनाह भी असी जनाब इंतहा तो ज्यादा करने हां मगर असी अल्लाह ताला दा इनाम भी लेना नहीं चाहते। मेरे भाई असी गुनाहगार बड़े ज्यादा, सियाकार बड़े ज्यादा, मगर जुम्मा पढ़िए खुतबा सुनिए ताकि जेड़े पूरे हफ्ते दे गुनाह दसा दिनों दे गुनाह कीते ने अल्लाह जुम्मे दी वजह तो माफ फरमा दे। दुआ करो अल्लाह साडे गुनाहां नू माफ फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह
हजरात दिवकार मेरे पैगंबर दा एक और फरमान सुनना इस हदीस दे नाल मिलदा जुलदा गए। फरमाया जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन जनाब आसन तरीके दे नाल गुसल कर देना अच्छा लबास पान देना उम्दा लबास जेबे तन कर देना और खुशबू इस्तेमाल कर देना अव्वल वक्त दे अंदर मस्जिद दे अंदर आ देना इमाम दे करीब बैठ देना और खामोशी दे नाल खुतबा सुन देना कोई गीबत नहीं करदा चुगली नहीं करदा बहतान नहीं लगांदा अल्जाम नहीं लगांदा। फरमाया अल्लाह ताला मुस्नद अहमद है फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे नो एक एक कदम दे बदले एक साल दे रोजियां दा सवाब अता करनगे और एक साल दे क्याम दा अजर अता कर देंगे। कितना मुकाम है कितनी शान है एक साल दे रोजे रख सकते हो एक साल महीना रमजान दा आ जाए तो असी पढ़ने पै जाने असी कहने बन की गया असी ते जनाब बीमार हो जावांगे। ओ यारो एक गल ना सोचिया करो और इसे मस्जिद एक नमाजी ने उन्हां दी जबान तो ए जनाब ऐलान और पैगाम है उन्होंने मैनु दसिया कारी साहब पहले मैं रमजान दे रोजे छोड़ना भी सा बीमारी दी डर दी वजह तो मगर ए रमजान मैं रमजान दे रोजे रखे ने अल्लाह ने रमजान दे रोजियां दी बरकत दी वजह तो अल्लाह ने मैनु कई बीमारियां तो आजादी नसीब फरमा दीती है कई बीमारियां नु शिफावां अंदर तब्दील कर रहे। खैर बात जो मैं कर रहा एक मां दे रोजे रखना साढ़े वास्ते मुश्किल हो जाते मगर एक साल दे रोजे नहीं रख सकने ताकत नहीं और जनाब इतनी हिम्मत नहीं। फरमाया जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन अव्वल वक्त अंदर अल्लाह दे घर अंदर आ जाते अल्लाह पूरे साल दे रोजियां दा अजर अदा कर देंगे ने उदा साल इंजी है जिस तरह उन्हें सारा साल रब दा मेहमान बन गए रोजे रखे ने और क्याम कीते मेरे भाई इस अजर नू जाया इस अजर नू जाया नहीं करना मेरे भाई रमजान दे रोजे रखिया भी करो और आम दिना च भी रखिया करो मगर जदों जुम्मा आए जुम्मा तुल मुबारक वाले दिन जुम्मे नू जाया करना हर कम नू छोड़ दिया करो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वादारुल बैत ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फरमाया कायनात दे लोगो जुम्मे दी अज़ान सुन के हर कम तरक करना तुहाडी जिम्मेदारी है और बेबहा अजर अता करना और दुनिया अंदर आखरत अंदर शान अता करना मैं रब्बुल आलमीन दी जिम्मेदारी है। और ए ते सारा मुकाम जेड़ा है ना ए उस बंदे दा मुकाम है जेड़ा बंदा जुम्मा पढ़ते जुम्मे वाले दिन खुतबा सुन दे। मेरे भाई जुम्मे वाले दिन दियां क्या शाना क्या मुकाम मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन या जुम्मे दी रात नू फौत हो जांदे ना अल्लाह जुम्मे दी बरकत दी वजह तो अल्लाह उस बंदे नू कबर दे फितनियां तो महफूज फरमा लेगा। कितनी बड़ी शान है कि इंसान दुआए करो अल्लाह ताला सानू ईमान दी हालत अंदर मौत नसीब फरमाए और जुम्मे वाले दिन अल्लाह मौत नसीब फरमाए। और ए मुकाम शान मिलनी ताए मेरे भाई अगर तू जुम्मा पढ़ता रहा है अगर तू सारी जिंदगी रब दा बागी बन के और जुम्मे दी अजान सुन के मस्जिद अंदर आन दी जुर्रत नहीं कीती आन दी तेनू फुर्सत नहीं मिली फिर मुकाम मिल सकदा नहीं मिल सकदा। और मेरे भाई जुम्मे वाले दिन जेड़े ऐसी मसनून अमाल करने ने ओ केड़े केड़े ने मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया जुम्मे वाले दिन ना ऐ सुनना जरा गौर दे नाल तवज्जो दे नाल फरमाया जुम्मे वाले दिन अच्छे तरीके दे नाल हर बालक नू
आसन तरीके गुसल करना चाहिए। की करना चाहिए? गुसल। ए नहीं कि जनाब दुकान तो उठिए बो दे कपड़े भरे पसीने दे नाल जनाब बदबू आंदी पई है मस्जिद दे अंदर आ गए कपड़ियां ते कालक लगी है हत्थां ते जनाब ए कालक लगी है और कोई खुशबू दा इस्तेमाल नहीं कीता अल्लाह दे घर अंदर आ गए और जेड़े साथी बैठे ने उन्हां नूं परेशान कर रहे फरमाया पहले नंबर ते गुसल करने दूसरे नंबर ते मिसवाक करनी है खुशबू दा इस्तेमाल करने और जनाब उम्दा अच्छा लबास जेबे तन करके मस्जिद दे अंदर आने और अव्वल वक्त दे अंदर मस्जिद दे अंदर आने और जनाब अव्वल वक्त अंदर मस्जिद अंदर आके चुगलियां नहीं करनिया गीबता नहीं करनिया के पहले आ गए आओ टोली बना के बैठ जाइए आओ ग्रुप की शक्ल अंदर बैठ जाइए पूरे पिंड दे हालातो वाकयात बयान करिए नहीं अव्वल वक्त अंदर आके रब दे सामने खड़े हो जाना है और अपने रब नू मनाना शुरू कर लेना है नफल पढ़ने शुरू कर देने जितने अल्लाह तौफीक अता फरमाए जितनी रब फुर्सत अता करे ओने नफल पढ़ने ने और जनाब ए नफल अदा करने ने अगर खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे दौरान तुसी आंदी हो ना ते फिर की करना है फिर भी मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया दो रकत नमाज पढ़न तो बगैर मस्जिद दे अंदर बैठना नहीं बैठना सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान कर देने सहीहुल बुखारी है किताबुल जुमा है अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे ने एक सहाबी एक इराबी एक आन वाला आए आके ना वैसे ही मस्जिद दे अंदर बैठ गए मेरे पैगंबर ने अपना खुतबा रोक दिते अपनी गुफ्तगू रोक दी मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया बेलिया दो रकत नमाज पढ़ी हो अल्लाह दे नबी जी नहीं फरमाया खड़ी हो वो पहले दो रकत नमाज अदा करो फिर अल्लाह दे घर अंदर बैठना है ते साढ़े कई भाई ना इस बात ते फतवे लगा रहे ने जनाब इमाम खतीब मिंबर ते बैठा होए खुतबा इरशाद फरमा रहा होए वैसे बैठ जाओ दो रकत नमाज पढ़न दी जरूरत नहीं मैं पूछिया ए जनाब हवाला एदी दलील एदी जनाब सनद कहाँ है जवाब मिलिया हमारे इमाम ने ऐसे जनाब अमल किया है मेरे भाई इमाम की बात मानना फर्ज नहीं है मेरे नबी की बात मानना फर्ज है मेरे नबी ने फरमाया पहले दो रकत पढ़नी है फिर मस्जिद के अंदर बैठना है और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फरमाया फिर की करना है मस्जिद के अंदर इमाम दे करीब बैठ जाना है खामोशी दे नाल खुतबा सुनना है और गोडे फड़ के गोठ मार के नहीं बैठना अदब दे नाल हुण भी कई साथी जनाब हुण ते माशाल्लाह कोई नजर नहीं आण डिया लगदा नाल ही सीधे पदरे हो गए हो मेरे नबी ने फरमाया गोडे फड़ के दोवे गोडे उठा के गोठ मार के नहीं बैठना फरमाया ए जुम्मे दे अदब दा ख्याल रखना चाहिए और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गर्दना फलांगणियां नहीं चाहिए मिसाल दे तौर खुतबा जुम्मतुल मुबारक शुरू है और बाद अंदर आने वाले साथी कई इंज दे भी प्यार मोहब्बत वाले ने ओथो जनाब चलते ने गर्दना फलांग दियां इस तरह जनाब जगह भी नहीं और आगे आके इमाम दे करीब बैठन दी कोशिश कर देने मेरे नबी ने इस बात तो मना फरमाए और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मसनून अमाल फरमाया कि जुम्मा खुतबा सुन दिया सोना भी नहीं कि जिन्हों नींद आ जाए ना मेरे नबी ने फरमाया अपनी जगह तब्दील कर ले वुजू कर ले ताकि नींद दूर हो जाए असी दे थे माशाल्लाह सारा जुम्मा ही सो के नगा देने आ जुम्मे तो बाद किसी नूं पुछिया जाए मेरे भाई अज की बयान होया कारी साहब पता नहीं की बयान होया मैं पहुंचिया सा रावल पिंडी मैं पहुंचिया सा अपनी जमीना अंदर
साडा हाल पता किवें दा। मैं एक मिसाल बयान कर दूं। एक इमाम साहब ना नमाज पढ़ा रहे ने ते पीछे बिल्कुल एक मुक्तदी खड़ा है। नमाज दे अंदर इमाम साहब करात कर रहे ने, कुरान पाक दी तिलावत फरमा रहे ने। हे बंदा कर्मा वाला एंजे जनाब अपनी जगह तो इन्हें छलांग लगाई है, एंजे इमाम साहब नू धक्का दिते ते इमाम साहब दे मुसल्ले ते आ गया। फिर जदों होश आई थोड़ी जी इस तरह फौरन पिछे होया। नमाज तो बाद इमाम साहब फरमांदे ने की बन गया यार तेनू? कहिंदा कारी साहब अगर गल सच्ची पुछदे हो ते मैं जनाब अपनी जमीन अंदर पहुंचिया सा, अपने खेतां अंदर पहुंचिया सा, और मैं की कर रहा सा नमाज दी हालत अंदर। मैं जनाब खाल दे उत्ते खलोता इस तरह टप्पा भर के मैं नका बनन लगा। साडा ते हाल इंज दे असी खुतबा सुन आने हिसाब दुकान का करते रहने, नमाज पढ़ने, साडी तवज्जो दा मरकज घर हुंदे और दौलत मरकज हुंदे। फरमाया जिदा नजरिया खुतबे दे दौरान इंज दा हो गया, नमाज दे दौरान इंज दा हो गया, ओ अल्लाह ताला दे कोलो अजर तो महरूम महरूम भी हो गया। मेरे भाई खुतबा सुनन आंदी हो तवज्जो दे नाल सुनिया करो। आखिरी दो अमल सुनावा अपनी बात मुकावा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वीर जेड़ा बंदा जुम्मा नहीं पढ़ता ओदा अंजाम भी तेरे सामने रख दिते नाल, जेड़ा जनाब खुतबा सुन दे नाल ओदी फजीलत भी तेरे सामने रख दिती है नाल, और जेड़ा खुतबा जुम्मतुल मुबारक वाले दिन मसनून अमाल ने तेरे सामने जिक्र करन लगा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार वाले ना बोले अजे किते नजर लग जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन सूरह अलकहफ दी तलावत करनी है ना। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिल किताबा वलम यजअल लहु इवजा कय्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदम मिल्लतुन गो वयुबश्शिरल मुमिनीनल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्ना लहुम अजरन हसना मा किसीना फीही अबदा वयुनज़िरल लज़ीना कालू اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم। फरमाया जुम्मतुल मुबारक वाले दिन सूरह अलकहफ दी तिलावत करनी है, और सुनना शान। फरमाया जेड़ा बंदा सूरह अलकहफ दी तिलावत कर दे अल्लाह अजर की अता कर देने। फरमाया सूरह अलकहफ दी तिलावत जमीन ते कर देना अल्लाह इंज जनाब ओदे पैरां तो लैके आसमान दियां बुलंदियां तक नूर पैदा कर देंदे ने, रोशनियां पैदा कर देंदे ने। और ए बंदा दुनिया तो चला जाएगा, दुनिया तो रहलत फरमा जाएगा। फरमाया अल्लाह दी क्या अल्लाह ताला दी अदालत अंदर महशर दे मैदान अंदर सूरह अलकहफ पढ़न की वजह तो अल्लाह इनू कल महशर दे दिन रोशनियां नसीब कर देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे वीर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन सूरह अलकहफ की तिलावत का एहतमाम कीजिए। इहदे बारे मुफस्सरीन ने फरमाया जुम्मे की रात यानी कि मगरब की नमाज तो लैके फजर की नमाज तक, फिर खुतबा
पाए जुम्मतुल मुबारक तक, फिर असर तक, फिर मगरब तक, यानी कि असी इतने वक्त अंदर सूरह अल कहफ की तिलावत कर सकने और जनाब अल्लाह दे हाँ अजर ले सकने। अल्लाह अकबर। आखिरी अमल जुम्मतुल मुबारक वाले दिन फरमाया मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नादल गुण वाला अल्लाह दा कुरान फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। पढ़ो फिर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद। फरमाया जुम्मा तुल मुबारक वाले दिन मेरे नबी ते राज के गज वज के दुरूद पढ़ना है। की करना है? मेरे नबी दी जात ते राज के गज वज के दुरूद पढ़ना है। केड़ा पढ़ना है? जेड़ा दुरूद मेरे नबी तो साबत, मेरे साहबाए कराम तो साबत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमांदे ने मन सल्ला अलिया सलातन वागीदन। फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात ते एक मर्तबा दुरूद पढ़दा इना अल्लाह इनाम की देंदे ने, अल्लाह दस गुनाह माफ कर देंदे ने, अल्लाह दस दर्जे बुलंद कर देंदे ने, अल्लाह दस नेकियां अता कर देंदे ने। अल्लाह अकबर। फिर इंज क्यों न कह लिए बेलिया हजूर दिया सुनता अपनाया कर। मोहब्बत नाल फिर कहो सुभान बेलिया हजूर दिया सुनता अपनाया कर। सोने ते दिन राती दरोद पहुँचाया कर। ओ घर रहन गियाँ सदा खुशहालियाँ ओ रब भेजदा दरोद दियाँ डालियाँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरात जीवकार मेरे नबी दी जात जुम्मतुल मुबारक वाले दिन दरूद पढ़ना है कसरत दे नाल पढ़ना है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात कसरत दे नाल दरूद पढ़दा है ना कल कियामत वाला दिन होएगा ए हदीस सुन दे जाना सीना ठरदा जाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया कल अल्लाह दी अदालत होएगी जेड़ा बंदा दुनिया ते मेरी जात ते दुरूद पढ़दा रहा अल्लाह उन्हों कल क्यामत वाले दिन मेरी सिफारिश अता कर देगा और जन्नत दे अंदर मेरा गवान भी नसीब कर देगा। गवांड लेना चाहते हो? सिफारिश अल्लाह दे पाक पैगंबर दी लेना चाहते हो? ते फिर मेरे नबी दी जात ते की करने दुरूद पढ़ने। पढ़ो फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आली मुहम्मद। आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए हर घड़ी हर सुबह को हर शाम पढ़िए। मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए हर घड़ी हर सुबह को हर शाम पढ़िए। ओ पढ़िया दरूद ते
भलावन टल गईया ओ कमली वाला आया, ओ कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। अल्लाह अकबर, अल्लाह दा कुरान मेरे नबी दा सीने पाके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो इज़ा नूदिया लिश्शलाती मियौमिल जुमाती फसाउ इला ज़िक्रिल्लाही वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हजरत दी वकार, अल्लाह ताला ने जुम्मतुल मुबारक दे दिन दी बड़ी शान बड़ा मुकाम बयान फरमाए, जो अल्लाह दी रहमत दे नाल मैं तुस अहबाब दे सामने एक दीन दा नौकर होण दी हसीयत बयान की थे, तो मेरे भाई अल्लाह दे हजूर दुआ है अल्लाह ताला सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और एक बात और जहन नशीन फरमा लो, जुम्मतुल मुबारक वाले दिन अपने बच्चियां नू जरूर लेके आया करो मस्जिद दे अंदर। मस्जिद के अंदर बच्चियां दा आना कबाहत नहीं, ममानत नहीं और चिड़कना भी नहीं चाहिदा। मेरे नबी दी सुन्नत है बच्चियां नू मस्जिद के अंदर लेके आना, मगर सिर्फ छोटी जी गुजारिश है अपने बच्चियां नू लेके आया करो, अपने करीब बिठाया करो। ओदे नाल की होएगा, तेरे बच्चे की तरबियत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह के हजूर दुआ है जो कुछ सुनिया।